अयोध्या खाते भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जानुआरी योजवानी है, जेने लईने तमाम भक्तों में अनोखो उत्सव जोवा मळी रह्यो छे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की उजवणी भागरूपे रामानंद मिशन द्वारा अनोखी यात्रा आयोजन कर कलश यात्रा आयोजन कर भारत में बे रथों मध्यम थी रथयात्रा निकल जे देशभर में 75 प्रमुख तीर्थस्थानों पर जमीन की पावन मिट्टी और तीर्थन पवित्र जल एकत्र कर 26,000 किलोमीटर सुधीनी आ यात्रा 14 जानुआरी अयोध्या पहुंचे, जेमा आजे आ यात्रा अमदावाद जगन्नाथ मंदिर खाते पहुंची है और अमदावाद विविध विस्तारों में आ यात्रा फरशे। साबरमती नदी पवित्र जल और जगन्नाथ मंदिर अक्षत ले आम 108 पवित्र नदी जल यात्रा मध्यम से एकत्र कर जेम जेम यात्रा फरसे त्यारे वधारे भक्तों यात्रा में जोड़ाशे। पवित्र नदी जल और माटी एकत्र कर कलश यात्रा योजी 14 जानुआरी अयोध्या पहुंचे। पूरे भारत में 26,000 किलोमीटर चलेगी। पूरे शहर में अहमदाबाद शहर में हमारे हनुमान सेना का यहाँ के लोकल प्रभारी हैं, ये बताएंगे रूट के बारे में, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट अहमदाबाद हम पूरा कवर करेंगे। अमूर्त कलश यात्रा का क्या हेतु है? देखिए ये हाँ, इसमें हम 75 तीर्थों का जल और रज इन द सेंस मिट्टी लेके हम अयोध्या पहुँचेंगे 13 तारीख को, और पूरे भारत को जो भी लोग अयोध्या राम मंदिर में नहीं आ सकेंगे तो हम एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं और भगवान श्री राम लला के चरण में समर्पित करेंगे। क्या मिल रहा है हमें, युवा को हम जोड़ पा रहे हैं और भगवान राम लला का जो चरित्र है उनके बारे में भी हम समझा रहे हैं, और पूरे भारत में हम यूथ को हम अच्छे से जोड़ पा रहे हैं और सनातन धर्म का हम प्रचार। अभी अहमदाबाद आए हैं, अहमदाबाद में साबरमती का पानी और इस मंदिर का हम रज लेंगे। आगे हम यहाँ से जाएंगे राजकोट, राजकोट से हम जाएंगे सूरत, एंड सूरत से फिर हम जाएंगे मुंबई। तो बताया गया है जो जो तीर्थ का पानी हम लेना है वहाँ हम लेंगे। 75 तीर्थ तो प्रमुख हैं, इसमें से हम द्वारका का भी हम जल लेंगे। अयोध्या कौन सा अयोध्या में कार्यक्रम रहेगा? हमारे हनुमान सेना का 10,000 सेवक पूरे 14 दिन हम सेवा करेंगे।